हाँ सर, मैं हूँ चाली का सरपंच गणेश खैर। ये गांव है ओंडीथल, झाड़ोल की सीमा से लगता हुआ गांव है। यहाँ पर एक पैंथर का आतंक फैला रखा है। कई दिनों से चाली पंचायत के हर गांव में ये घटना हो रही है। पूर्व में भी एक दो घटना हुई है। तो अभी कल शाम के बकरिया चराकर ये कमला पिता अम्बालाल की बच्ची अपन बकरिया चरा के घर जा रही थी, तो रास्ते में घात लगाकर पैंथर बैठा था। उस लड़की को रास्ते से पकड़ लिया था और वो जंगल में लेके आया। ये जंगल है अपन ओंडीथल कमेड़ का मंगरा, और ये ग्रामीण है सामने, और प्रशासन भी आए हैं, पुलिस भी आई है और रेंजर फॉरेस्टर भी आए हैं। तो हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसी प्रशासन कोई व्यवस्था करे जो इस गांव के अंदर पेजरा लगाया जाए। और चाली के पांच राजस्व गांव, पांच ही गांवों में पेजरा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। मैं सरपंच की ओर से प्रशासन को मांग कर रहा हूँ कि ऐसी भविष्य में घटना नहीं हो, ऐसा उचित कदम उठाया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये मेरी मांग है। और यहाँ के ओंडीथल के ग्रामीणों का क्या कहना है, ये आप क्या चाहते हो? गांव वाले, ये अभी घटना हो गई है तो सरकार और पुलिस से आप क्या चाहते हो? थोड़ा आप बेरुलाल जी बोलो। ग्राम पंचायत साली, उप सरपंच पति ललिता भाई माधुलाल की तरफ से हमारी तरफ से यही मानने के, हमारे गांव में ओंडीथल में अम्बालाल पिता बग्गा की बच्ची कमला भाई, उनका पैंथर ने जो शिकार हमला कर दिया और उनको मार दिए, तो हमारे गांव से यही हमें मांग है कि हमारे कोई सरकार से उचित उनको गरीब परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, और उस परिवार के लिए और हमारे गांव में जिस पैंथर का बहुत आतंक है, तो हम सब मिल के यही चाहते हैं कि सरकार से मांग, हमें कोई उचित कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि हमारे ये भय का माहौल शांत हो सके। और हम सब मिलकर आप और हमारे पूरे गांव के मिलकर आपको यही सूचना दे रहे हैं, और ख़ास तौर से ये बता रहे कि हमारे पैंथर का ही एक दो तीन साल पहले भी एक हमारे एक गांव में नौजवान के बच्चे पर भी हमला किया और वो मरा नहीं, लेकिन उनको भी वो पैंथर ही ले गया था। तो उनके बारे में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई इनका एक्शन नहीं लिया, और आज दो तीन साल के बाद फिर ये एक हमला हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ये प्रशासन ध्यान नहीं दे, प्रशासन की थोड़ी लापरवाही है, इसलिए के लोगों में बहुत रोष है। और ग्रामीण की तरफ से यही मांग है और साली पंचायत की सरपंच की भी यही मांग है कि आगे भविष्य में ऐसा कोई घटना नहीं हो, ऐसा कारगर कदम उठाया जाए, सरकार से मांग करते हम। यो नहीं खाए तो सारे के मांगे जो गांव जैसे ही।